हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्मी दोस्त में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एआरओ भर्ती जम्मू की पूरी जानकारी लेकर आ चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे जम्मू की जो भर्ती होने वाली है एएलजी ग्राउंड में जो भर्ती होगी, एएलजी ग्राउंड जो रजौरी में है, वो पूरी जानकारी आपको ग्राउंड के बारे में आज हम आपको देने वाले हैं कि ग्राउंड कैसा है, आपको कितने राउंड लगाने पड़ सकते हैं, ग्राउंड थोड़ा ईजी है या टफ है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये जो हम आपको न्यूज़ देने वाले हैं, ये 100% रियल और सच्ची न्यूज़ है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये जो एएलजी ग्राउंड में जो भर्ती होने वाली है, इस भर्ती में मैं भी खुद जाऊँगा देखने के लिए। जीडी की मेरी भर्ती है तो मैं भी इस भर्ती में जाऊँगा। तो जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल ही सच्ची जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जो सांबा में भर्ती हुई थी, जो उस सांबा वाला ग्राउंड, शेर बच्चा ग्राउंड, बिल्कुल ही अच्छा ग्राउंड था, बिल्कुल ही इजी ग्राउंड था। आज हम आपको बताएंगे एएलजी ग्राउंड भी उसी की तरह है जहाँ थोड़ा टफ है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, जो सांबा में भर्ती हुई थी वो भी भर्ती हमने देखी थी और हमने रनिंग पास की थी। तो हमें जो दिक्कत हुई थी थोड़ी सी, मेडिकल में हमें आउट कर दिया गया, तो मेडिकल में आउट कर दिया गया। इस बार हम अपनी रनिंग तैयारी बिल्कुल की हुई है। आज हम आपको बताएंगे एएलजी ग्राउंड कैसा है। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो रही है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कोई भी आपको जानकारी जो नहीं आपको पता है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी को सिर्फ यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, जो भी आप हमें नीचे कमेंट करेंगे उसी पर ही वीडियो बनेगी। जो भी आपको दिक्कत है हमें ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो हम अपनी फेसबुक का आईडी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी फेसबुक का लिंक दे दिया, तो आप हमारे साथ उधर भी जुड़कर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, तो हम उधर भी आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं एएलजी ग्राउंड कैसा है, आपको कितने राउंड लगाने पड़ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम भी इस भर्ती में देखने जाएंगे तो आपको यह भी बताएंगे, क्योंकि 10 डिस्ट्रिक्ट की एक साथ भर्ती है, ग्राउंड की थोड़ी हालत खराब भी हो सकती है। तो जिसकी पहले पहले हो गई उसको तो अच्छी तरह वो रनिंग पास कर लेगा, जिसकी फिर लास्ट में जहाँ सेंटर में होगी तो उसे थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि धूल भी काफ़ी होगी, थोड़ा सा गर्मी का मौसम आ रहा है, धूल होगी। और आपको मैं सभी को बता दूं, ग्राउंड भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि 10 दिन की जो भर्ती चलने वाली है और 10 ही डिस्ट्रिक्ट आएंगी, काफ़ी वॉयज आएंगे, तो ग्राउंड थोड़ा सा ख़राब होगा। तो आपको जानकारी टाइम टू टाइम मिल जाएगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो दोस्तों, आप बात करते हैं एएलजी ग्राउंड कैसा है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, आपको डेढ़ चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको सीधा चक्कर 1 किलोमीटर का सीधा चक्कर लगाना पड़ेगा। स्टेड जो आपका ग्राउंड की ट्रैक है वो बिल्कुल ही जो आप लुक होती है उसका बना हुआ है। आपको बता दूं, नीचे लुक पड़ी हुई है, आपको लुक पर रनिंग करनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो लुक पर कीजिए, आपको ग्राउंड में दौड़ लगाने कोई भी अब फायदा नहीं है, क्योंकि उधर सीधा 1 किलोमीटर का आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको 600 मीटर का एक चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको वापस आना पड़ेगा सीधे, आपको 1 किलोमीटर, उसके बाद आपको 600 मीटर आपको वापस आना पड़ेगा, आपका सीधा एक चक्कर, एक ऑफ चक्कर। तो आपको यही उधर आपको इजी ग्राउंड है, आप रनिंग कीजिए, आपकी रनिंग पास हो जाएगी अगर आप मेहनत करोगे। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टफ ग्राउंड है, तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। तो आप रनिंग कीजिए, इतना भी टफ नहीं है, आप रनिंग कीजिए। कोई भी दिक्कत होगी तो हमें नीचे कमेंट कर पूछ लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।